जय हिंद भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। तो दोस्तों, आईआरबी क्लर्क मेंस 2024 का एग्जाम होने के बाद से ही अपने बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के फीडबैक मुझे मिले उनके अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। तो उनके फीडबैक के बेस पर ही आईआरबी क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने तैयार कर लिया है। एग्जाम दो शिफ्ट में हुआ, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में केवल कुछ ही स्टेट में एग्जाम हुआ है, जैसे MP, छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट शिफ्ट का ज्यादा डेटा मुझे नहीं मिला, और साथ में ही अपने डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का भी मुझे ज्यादा फीडबैक नहीं मिला। फिर भी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का भी मैंने रफली एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। तो इस वीडियो में एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ साथ अपने डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं दिखाऊंगा, और वीडियो के लास्ट में सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेपर का एनालिसिस मैं पहले कर ही चुका था, जिसमें मैंने बताया था कि GA बहुत ही ज़्यादा टफ आया था और क्वांट भी टफ था कंपेरेटिवली, और बाकी रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी में और कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट देखने को मिले हैं अपने एक्सेसमेंट भाइयों के। मतलब इंग्लिश और हिंदी की बात करूँ तो 30+ काफ़ी अटेम्प्ट हैं, और 35+ भी काफ़ी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं, और ऐसे ही कंप्यूटर में भी 30+ काफ़ी अटेम्प्ट देखने को मिले हैं, और रीजनिंग में भी 20 के अराउंड काफी कैंडिडेट ने किए हैं। तो जहां GA में काफी बेकार रहा है लोगों का, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर रीजनिंग में काफी अच्छे अटेम्प्ट लोगों ने किए हैं। तो अटेम्प्ट तो उन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन अब उन सब में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि एक्यूरेसी किसकी कितनी बढ़िया है, तो वो एक्यूरेसी ही डिसाइड करेगी। अब अगर एक्यूरेसी अच्छी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी जिसकी गड़बड़ हो जाएगी ना इतने अटेम्प्ट में, तो फिर मैंने बताया था कि 1 नंबर, 0.55 नंबर का बड़ा ही फर्क पड़ता है रिजल्ट में। तो अभी आइए कट ऑफ देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर बनाया है ये आउट ऑफ 100 है, तो 200 के लिए आप इसे डबल कीजिए। ये एक्स सर्विसमैन का, अब इधर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का। तो डिसेबल्ड का जैसे मैंने बताया था मुझे ज्यादा डेटा नहीं मिला है, तो मैंने रफली एक बनाया है कि मतलब इसके आसपास रहेगा, उम्मीद है मुझे इतना या इससे कम ही रहेगा। और वैसे भी डिसेबल्ड में जैसे आपने Tier 1 में भी देखा कि मैक्सिमम का जिन्होंने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया सबका हो गया, तो ऐसे ही Tier 2 में भी दो चार स्टेट को छोड़ दें, मैक्सिमम जगह पर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, केवल सेक्शनल कट ऑफ का ही इश्यू रहेगा, और बहुत जगह तो वैकेंसी खाली भी रह जाती है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग। तो अभी देखिए आप, पंजाब में मुझे उम्मीद है 34 वैकेंसी थी, 35 ये आउट ऑफ 100 है कट ऑफ जाने की उम्मीद है, और अपने डिसेबल्ड भाइयों का 15 में से 20 नंबर। ऐसे ही तेलंगाना का देखेंगे आप 29, राजस्थान का 35 और डिसेबल्ड का 20, MP में 35 और डिसेबल्ड का 20। ऐसे झारखंड में 41, डिसेबल्ड भी कोई वैकेंसी नहीं है, बिहार में 37 और 25 अपना डिसेबल्ड, गुजरात में 32 और 20 डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का, तमिलनाडु में 28 और 20 डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, उड़ीसा में 30 वैकेंसी हैं, 40 और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का 30। उड़ीसा में मुझे उम्मीद है थोड़ा ज़्यादा जाने की डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का, यूपी में 38 और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का 20 के अराउंड रहेगा, और हिमाचल प्रदेश में 38 और मणिपुर में 40 और डिसेबल्ड की अपनी कोई वैकेंसी नहीं है मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करूँ मैं उत्तराखंड, 15 वैकेंसी हैं, 42 और डिसेबल्ड का अपना 25, हरियाणा में 45 और डिसेबल्ड का 30, छत्तीसगढ़ में 34 डिसेबल्ड 25, जम्मू एंड कश्मीर में 14 वैकेंसी है, 35 और डिसेबल्ड की 4 वैकेंसी है, 25, महाराष्ट्र में 17 वैकेंसी है, 37 और डिसेबल्ड का 7 वैकेंसी है, 25, आसाम में 22 वैकेंसी, 30 कट ऑफ और डिसेबल्ड का अपना 20 कट ऑफ, वेस्ट बंगाल में 40 और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन 26, कर्नाटका में 33 और डिसेबल्ड का 25, केरला में 10 वैकेंसी है केवल, तो 45 ज़्यादा जाने की उम्मीद है और डिसेबल्ड का अपना 30, आंध्र प्रदेश में 38 और डिसेबल्ड का 30, त्रिपुरा में 6 वैकेंसी है, 33 डिसेबल्ड का 20। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों डिसेबल्ड का, इसमें ये थोड़ा रफली है, मतलब उम्मीद है इतना या इससे कम ही जाएगा, और अपना एक्स सर्विसमैन भाइयों का भी ये जो मैंने बनाया है
तो उम्मीद है मुझे कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा और ज्यादा चांसेस हैं कि इससे कम ही जाए, ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब बात करूंगा सेक्शनल कट ऑफ की। तो सेक्शनल कट ऑफ आप देख सकते हैं, रीजनिंग में मुझे उम्मीद है 10 नंबर, क्वांट में 5, जीके में तो 1 नंबर, और जीके में बहुत लोगों के एक भी स्कोर नहीं हो रहा है, मतलब और पता नहीं कई लोग तो 20-20 से ज्यादा ऊपर करके आए हैं, मतलब इवन जनरल वाले जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वे भी नहीं करके आ रहे हैं इतने जितने हमारे एक्स सर्विसमैन भाई कर रहे हैं। तो देखते हैं अब एक्यूरेसी कैसी रहेगी उनकी। कंप्यूटर में 5.5, इंग्लिश में और हिंदी में 10 नंबर, तो ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया। तो काफी चीजें ध्यान रखकर मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कट ऑफ इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आरआरबी का एग्जाम हो चुका है, अब जिसका आईबीपीएस मेंस का एग्जाम है, बहुत से ऐसे हैं कैंडिडेट यहाँ पर जिनका आईबीपीएस का एग्जाम है, तो अच्छे से आईबीपीएस एग्जाम दे, और जिनका आईबीपीएस नहीं हुआ है तो वो अभी सीजीएल का भी आपका Tier 2 होना है और SBI का भी अभी नोटिफिकेशन हो सकता है जल्दी देखने को मिले और दिसंबर में शायद प्रीलिम्स भी देखने का मिले, तो SBI के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो SBI की भी अपनी तैयारी कर दीजिए और CGL की भी साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। CGL की स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए, और कुछ डाउट है तो मैंने पहले ही बताया था, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं हो सकता है उस समय जवाब ना दूं बाद में, लेकिन मैं कॉल जरूर करूंगा। और SBI के लिए भी IBPS एग्जाम हो जाने के बाद में अलग से IBPS का प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक वीडियो डालूंगा डिटेल में। तो इतना आप तैयारी अपनी जारी रखिए CGL की और SBI की, अपने आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ भी दोस्तों अगर तैयारी से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कई बार होता है मैं उस समय जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप दोबारा मैसेज कीजिए, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं तो कई बार मिस हो जाता है, तो दोबारा मुझे रिमाइंड करा दीजिए, मैं जरूर कॉल बैक करूंगा। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।